हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस के ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसी प्रकार से आज आपकी एक बार फिर क्लास लेकर आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे। तो आपको पता होगा हम क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि देखो बेटा, अगर आप रेगुलर मेरी क्लास लेते हो ना, तो मैं 101% कह सकता हूँ कि आपको बेटा मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए कि सर आज क्या पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं पढ़ाने आता हूँ, जैसे ही आप अपनी नोटबुक ओपन करते हो तो आपको आपका किया हुआ काम मिल जाता है। आपको आपका काम किया हुआ मिलता है ना, तो आपको पता रहता है कि सर ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या नहीं पढ़ाया। वैसे हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जो यूनिक्यू वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, जीवित जीवों का जो अद्भुत संसार है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें भी बेटा काफी हमने कुछ पढ़ लिया है। आज वो पेज नंबर 64 निकालना, और वहां पर जो 64 पर तीन फिगर दे रखी, एक तो हाउस फ्लाई की, एक मॉस्किटो की और एक बटरफ्लाई की, यानी तितली है, मच्छर है और घरेलू मक्खी है। इन तीनों फिगर के नीचे जो लिखा हुआ ना, वहां से हमारे को पढ़ना शुरू करना है। तो पहले तो मैं नोट कर देता हूं हमारा चैप्टर 5 नंबर का, और वो है यूनिक्यू वर्ल्ड ऑफ LIVING लिविंग ORGANISM, यूनिक्यू वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ना है। और इसमें भी बहुत सारा हमने पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया पेज नंबर बेटा 64 निकालना है, और 64 पेज नंबर पर हमारे को क्या पढ़ना है। तो जो तीन डायग्राम दे रखे है ना, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो और बटरफ्लाई, उसके नीचे लिखा हुआ है, तो वहां बेटा आपको ध्यान देना है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए लाउड वीडिंग प्रोकेशन वाज पासिंग नियर मयंक्स हाउस, यानी एक तेज शादी का समारोह मयंक के घर के पास से गुजर रहा था। आपको भी पता होगा जब कोई शादी होती है तो डीजे बजता है। अभी तो शादियों की सीजन है, अभी थोड़ी ज्यादा ही शादियां हो रही है, तो क्या होता है शादियों में, डीजे आता है ना, डीजे हा? फिर नाचते हैं उसके पीछे पीछे, भंडोली निकलती है बिंद राजा की, निकलती है ना। हाँ, तो ऐसा ही कुछ हो रहा था मयंक के घर के पास में। आपके घर के पास में से भी तो निकलता है, जब आपके गांव में किसी की शादी होती है तो जब बंदोली होती है तो डीजे आता है ना, लोग उसके पीछे पीछे नाचते रहते हैं और आपके घर के पास से गुजरता है। उसी प्रकार मयंक के घर के पास से एक तेज आवाज में शादी का समारोह हो रहा था, शादी समारोह गुजर रहा था। सींग दिस मयंक, सींग द आगे क्या है, सींग दिस, यानी इसको देख करके मयंक पुट हिज फिंगर्स इनटू हिज ईयर्स, यानी इसको देख करके मयंक ने उनकी अंगुलियों को अपने कान में डाल लिया। आप भी ऐसा कभी कभार करते हो, जब कोई तेज आवाज आती है तो आप कान में अंगुली डाल लेते हो, दोनों कानों में अंगुलियां डाल देते हो, इतनी तेज आवाज आती है। तो मयंक ने क्या किया, मयंक ने उनके कानों में उनकी अंगुलियों को डाला। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज वेरी लाउड, क्यों डाला, क्योंकि वह बहुत तेज आवाज थी, उस डीजे की बहुत तेज आवाज थी, और डीजे की बहुत तेज आवाज होने के कारण उसने अपनी कानों में अंगुलियां डाल दी। तब गुंजन ने पूछा, गुंजन ने उसे पूछा व्हाट हैपेंड, पूछा क्या हो गया, गुंजन ने मयंक से पूछा क्या हो गया। तो मयंक ने कहा, मयंक ने कहा इट इज वेरी नॉइजी। उन्होंने कहा, क्या कहा, यह बहुत, ऐसे कहता हूं कि नॉइजी था, नॉइजी यानी बहुत ज्यादा शोर से भरा हुआ था।
नॉइजिका मीन शोर, तेज आवाज। उन्होंने कहा यह बहुत तेज आवाज थी, इस कारण से मैंने मेरी कानों में, नाक में अंगुली नहीं डालना बेटा, कानों में डालना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आप नाक में अंगुली डाल लेते हो। पास में से डीजे गुजर रहा है, तेज आवाज आई और दोनों अंगुलियां ली और नाक में डाल दी। अरे बेटा, नाक में डालने से कोई आवाज कम थोड़ी होगी। अंगुलियां नाक में नहीं डालना, अंगुलियां कानों में डालना है। तो मुनिया सेड, मुनिया आस्क्ड, एक और कोई लड़का लड़की था, मुनिया, मुनिया ने पूछा व्हाट डज इट मीन बाय नॉइज। वो तो जानता ही नहीं था, उन्होंने पूछ लिया ये शोर होता क्या है। उन्होंने क्या पूछ लिया, ये शोर होता क्या, ये पूछ लिया उन्होंने। उन्होंने क्या पूछ लिया, उन्होंने पूछ लिया कि ये शोर क्या होता है। उसको तो शोर का ही नहीं मालूम कि नॉइज क्या होता है, उसका तो नॉइज का ही नहीं मालूम उसको। तब उन्होंने क्या कहा, देखो मयंक ने कहा व्हेन वी हियर ए साउंड लाउडर देन अवर हियरिंग कैपेसिटी इट इज कॉल्ड नॉइज। तब मयंक ने क्या कहा, व्हेन यानी जब, वी हियर ए साउंड जब हम कोई आवाज सुनते हैं वह लाउडर होती है देन अवर हियरिंग कैपेसिटी हमारी सुनने की क्षमता से। मयंक ने कहा जब हम सुनते हैं तो कोई ऐसी तेज आवाज जो हमारे सुनने की क्षमता से ज्यादा होती है, हमारे सुनने की क्षमता से ज्यादा कोई सुनना ही हो, कोई ज्यादा आवाज होती है, उससे भी तेज आवाज होती है, हमारी हियरिंग कैपेसिटी हमारे कान की सुनने की शक्ति से भी ज्यादा कोई तेज आवाज होती है, उसको नॉइज कहते हैं। आपको भी पता अगर नहीं हो तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि नॉइज क्या होता है। हिंदी अर्थ तो सबको मालूम शोर होता है, हिंदी मतलब तो सबको मालूम है शोर होता है, बट ये नहीं मालूम कि होता क्या है शोर। तो होता क्या होता शोर, कि हमारे कानों की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, कानों की जो सुनने की क्षमता होती है, उससे भी कोई अगर तेज आवाज होती है तो उसको शोर कहते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ, आपको ही बताना है। एट विच प्लेस हैव यू हियर द नॉइज, कि किन स्थानों पर आप ऐसा शोर सुनते हो, कहां कहां ऐसा आप शोर सुनते हो जहां पर आपके हियरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा की ध्वनि होती है, ऐसा आप कहां कहां सुनते हो बताओ। तो पहली जगह तो यही, शादी समारोह में, शादी समारोह में डीजे बजता है, वो बेटा हमारी हियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा नॉइज होता है। दूसरी बात, जब कभी कभार जागरण होती है ना, जागरण भजन संध्या, वहां पर भी साउंड लगाते तो वो भी बेटा हमारी हियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होती है। उसके अलावा बेटा रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनों की आवाज आती है ना, वो भी हमारी हियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होती है। नंबर चौथी बात बेटा, एयरपोर्ट पर जहां हवाई जहाज आते हैं ना, हवाई जहाज की आवाज भी आपको पता बहुत तेज होती है। उसके अलावा बस स्टेशन पर भी जो हॉर्न आते हैं ना बसेस वगैरह के, वो भी हमारी हियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होती है। तो ये कुछ चार पांच स्थान ऐसे हैं जहां पर हम ऐसी नॉइज सुनते हैं, जहां पर हम नॉइज सुना करते हैं। फिर आगे क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस वी ड्यू टू नॉइज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं होती है वी फेस ड्यू टू नॉइज, कि हम शोर के कारण उनका सामना करते हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती है इसका सामना हमारे को करना पड़ता है नॉइज के कारण, शोर के कारण। तो कौन कौन सी, देखो बहुत सारी परेशानियां, आपको पता हो तो आपके घर में भी कभी कभार कहते हैं अगर ज्यादा आवाज आप सुनोगे तो कान का एक पर्दा होता है, ईयर ड्रम, ईयर के अंदर एक ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है बेटा, वो कान का पर्दा फट जाता है तेज आवाज से। जब कान का पर्दा फटता है ना, तो उसके बाद में हमारे को सुनाई देना बंद हो जाता है। हमारे कान में एक पर्दा होता है, अगर वो पर्दा फट जाता है, पर्दे में छेद हो जाता है, तो हमारे को सुनाई देना बंद हो जाता है। उसके अलावा और अगर मैं बात करूं, उसके अलावा मैं अगर आगे बात करता हूं तो और क्या, और बेटा देखो बहुत नर्वसनेस हो जाती है, बहुत बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, मानसिक मेंटल बीमारियां हो जाती है ज्यादा नॉइज से, सर दर्द तो नॉर्मल सी बात है। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नॉट मेक ए नॉइज, व्हाई शुड वी नॉट मेक ए नॉइज, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन पूछ लिया,
हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? अब क्यों नहीं करना चाहिए हमें शोर? हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शोर से बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप नॉइज करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, जो भी अभी मैंने बताई है, जैसे हेडेक हो गया, हेडेक हो गया, नर्वसनेस हो गया, बेचैनी हो गई, मेंटल डिजीजेस हो गई, मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, ये सारे रीजन होते हैं, इस कारण से हमें शोर नहीं करना चाहिए। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, एसडब्ल्यू में थिंक एंड टेल का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। स्थानों के नाम लिखना है, ऐसे लिख देना, एट रेलवे स्टेशन, एट एयरपोर्ट, एट वेडिंग प्रोकेशन, ये 3 लिख देना बहुत है, एट बस स्टेशन, ठीक है ना, ये 3-4 स्थान लिख देना, पहला क्वेश्चन करना। दूसरा क्वेश्चन करना, मैंने क्या बताया कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली प्रॉब्लम्स लिख देना, मेंटल डिजीज, हाइपरटेंशन, नर्वसनेस, हेडेक, ये 4 आपको लिख देना, ठीक है ना, और तीसरा नहीं करना है, पहला और दूसरा ही करना है, तीसरा नहीं करना है। समझ में आ गया क्या कहा मैंने आपको? 2 ही करने हैं। कितने करने हैं? तो 2 ही करने हैं, पहला दूसरा दोनों इजी है, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार देख लेना, उसे आपको पता चल जाएगा कि सर क्या कह रहे हैं, मैं आंसर बता चुका हूं। और स्पेलिंग उतनी हार्ड नहीं है कि आपको स्पेलिंग उसकी नहीं आती है, ठीक है ना। अब आगे कल की क्लास में मिलते हैं, पर आगे क्या पढ़ना हमारे को, होमवर्क मैंने आपको बता दिया, या होमवर्क आपको करना है, उम्मीद करता हूं जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। अगर कहीं शादी समारोह में जाएं तो बेटा ध्यान जरूर रखें, ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से जो अब फैलने लग गया है, इस कारण से अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।